मंदिर जाने की देखो हर एक की अपनी आस्था है, मंदिर हम जाएंगे तो उनकी मर्जी से थोड़ा ना जाएंगे, ये तो सारे हिंदुस्तान के देशवासियों ने मंदिर बनवाया, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना। मंदिर तैयार हो गया तो उसका उद्घाटन कर रहे थे, उनके आचार्य जी क्यों नहीं गए? ये 2024 के बाद भी तो कहते पूजा की जाती थी, या 22 में भी पूजा करा लेते। ये बार बार जिस तरह से कांग्रेस जीतती है फिर पता चलता है जी हम 3 सीटों से पीछे हो गए। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अब देखा जाए यहाँ पर तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही है वो असम में पहुँची थी और तस्वीरें तमाम लोगों ने देखी कि लगातार किस तरीके से बैरिगेटिंग यहाँ पर लगा दी जाती है, राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, उसके बाद FIR यहाँ पर करा दी जाती है। तो आखिरकार क्या समझा जाए कि 2024 के चुनाव अब नज़दीक आते नज़र आ रहे तो यहाँ पर जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं डरती नज़र आ रही है, ये सवाल लगातार यहाँ पर बन रहा है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार तक करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो तमाम लोग मेरे साथ है, सीधा सवाल करेंगे कि आखिरकार क्या लगता है लोगों को। सर, आपसे ही पहले जानेंगे कि राहुल गांधी पर FIR करा दी जाती है, यहाँ पर यात्रा को रोकने की कोशिश की जाती है, तो क्या बड़ी वजह लग रही है? पहले उनकी सदस्यता रद्द करवा देती है संसद की, फिर उसके बाद को बहाल कर दिया जाता है, फिर राहुल गांधी को जगह जगह रोका जाता है। बीजेपी का डर ही तो और क्या, बीजेपी अगर किसी को जैसे राम मंदिर के लिए ये दिए जलाओ पूरे इसमें हिंदुस्तान के अंदर ये त्यौहार की तरह मनाना जाना चाहिए, राहुल गांधी को मंदिर में एंटर नहीं किया देना जाता, उनको पुलिस रोकती है एंटर करने से। अब जी उनकी रैली जब निकल रही है तो उसको रोका जाता है, उसमें झंडे दिखाए जाते हैं, ये एक बीजेपी का बहुत बड़ा डर है और क्या। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि जब राम मंदिर का इनविटेशन पहुँचा था राहुल गांधी के पास, उन्होंने मना कर दिया, अब वो मंदिर जाने का यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं जो बीजेपी लगातार कह रही है, तो यहाँ पर अगर रोका जा रहा है तो क्या दिक्कत है? मंदिर जाने की देखो हर एक की अपनी आस्था है, मंदिर हम जाएंगे तो उनकी मर्जी से थोड़ा जाएंगे, जब हमारा मन करेगा हम तो मंदिर जाएंगे, उससे पहले भी मंदिर जाते थे आगे भी जाएंगे, बीजेपी के बुलाने पे कोई जाएंगे? बीजेपी थोड़ा ना ये मंदिर बनवाया बीजेपी ने, ये तो सारे हिंदुस्तान के देशवासियों ने मंदिर बनवाया, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि मोदी जी की वजह से ही राम मंदिर बना है, मोदी है तो मुमकिन है। मंदिर का गेट किसने खोला पूजा के लिए? राजीव गांधी ने खोला और उसके बाद कहते ऑर्डर किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया गया, ये कहते हैं इन्होंने बनाया होता तो सारा बनाया होता, उसके 3 हिस्से ना किए जाते। ये तो आपस में इन्होंने इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन से पहले मुहूर्त क्यों नहीं किया? और मंदिर अभी पूरा कौन सा तैयार हो गया? मंदिर तैयार हो गया तो उसका उद्घाटन कर रहे थे, उनके आचार्य जी क्यों नहीं गए? आचार्य जी ने क्यों मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा? और उन्हें पता है इलेक्शन आ रहे हैं तो 2024 में कराए जा रहे हैं, ये 2024 के बाद भी तो कहते पूजा की जाती थी, या 22 में भी पूजा करा लेते। बिल्कुल। अभी इंडिया गठबंधन की जो बात है उसमें लेटेस्ट अपडेट सामने आया कि ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी, तो अब यहाँ पर बीजेपी उस चीज़ को उछालती हुई नजर आ रही है कि इंडिया गठबंधन आपसी में गठबंधन नजर नहीं आ रहा। ये झूठ बोल रहे हैं, आपस में गठबंधन से ही लड़ेंगे या आपस में फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि फूट कैसे डले? ये जान जान के पब्लिक को दिखा रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं। ये तो 2024 में इनको पता चल जाएगा इकट्ठे लड़ रहे हैं या अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन अगर 24 की बात यहाँ पर हो रही है तो कहा जा रहा है कि पूर्ण बहुमत से भाजपा ही आएगी, इंडिया गठबंधन नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि चेहरा नहीं है उनके पास। ऐसा है, सबसे पहली बात तो EVM पर सवाल उठते हैं। ये बार बार जिस तरह से कांग्रेस जीतती है फिर पता चलता है जी हम 3 सीटों से पीछे हो गए, तो देखो EVM भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा, जिस प्रकार से ये सारे जो हमारे घटक दल हैं जो कांग्रेस के साथ हैं जो सब मिलकर लड़ रहे हैं, देखो होना तो चाहिए, जीत तो इनकी होनी चाहिए, पूर्ण रूप से ये जीतेंगे। और यदि जहाँ EVM चल गया तो फिर उसके सामने तो सब कुछ बेकार है। आप पृथ्वी पर रहकर मंगल ग्रह को ऑपरेट कर सकते हो तो ये EVM तो ये गाजर मूली है, क्या है ये? कुछ भी हो सकता है। जो आदमी हर तरह से साम दाम दंड भेद अपना सकता है, जो हर प्रकार से हर चीज़ अपना सकता है, तो उसके लिए ना कोई भी चीज़ वो तो चाहे तो 500 की बजाय 700 सीटें जीत जाए, तो इसकी ये तो एक बहुत EVM पर सवाल उठा रहे, तो सीधा सवाल यहाँ पर चुनाव आयोग पर भी उठता हुआ नजर आ रहा है, तो चुनाव आयोग पर विश्वास करने लायक स्थिति नहीं रही अब। देखो सब कुछ इसने अपने अंडर में किया है, ये पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने सब चीज़ें अपने अंडर की हुई हैं। नहीं, आज तक इतने सालों से जब से देश आज़ाद हुआ इस तरह के सवाल कभी उठते ही नहीं थे, ना इस तरह की कोई बातें होती थी। लेकिन जो ये अब ये बातें हो रही हैं, इसका
तो ये विश्वास ही एक किस्म से खत्म होता नजर आ रहा है। तो मतलब इतने ताकतवर बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी संस्थाएं उनके अंडर काम कर रही हैं। उनके उन्होंने सारे अपने बंदर ला के रख ली हैं। इनसे बहुत ये डरते नहीं है इलेक्शन से, ये कहते हैं हम जीतेंगे तो वैलिड पेपर से इलेक्शन करा के देख लें। बाहर की कंट्रियों ने मशीनें बंद कर दी, ये अपनी मशीनें क्यों नहीं बंद कर रहा? जब ये कहता है कि मैं सच्चा हूँ, मैंने काम किया, हिंदू मुझे वोट देगा, तो एक बार वैलिड पेपर से इलेक्शन करा के देख ले, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन लोकप्रियता में अगर देखा जाए तो मोदी जी पहले नंबर पे है विश्व में, विश्व गुरु बना दिया गया उन्हें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोघना दूत आए फल होए, ऋतु आने पे ही फल होता है। अभी समय बहुत है लोकसभा चुनाव में, समय आने पे सब पता चल जाएगा कौन लोकप्रिय है कौन नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि राम सबके हैं, कण कण में बसे हैं राम। राम किसी एक पार्टी समुदाय या एक धर्म के नहीं है, राम तो हमारी सृष्टि में एक ऐसे हैं जो अपने आप में ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सबको प्रेरणा देता है। हमें राम के व्यक्तित्व से सीखना चाहिए, उनके जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं उनकी अगर जीवन से प्रेरणा लेते हुए अगर 1% भी हम अपने जीवन में वो ला पाएँ तो हमारा देश में वैसे ही राम राज्य आ जाएगा। उसका प्रचार करने की जरूरत नहीं है, राम राज्य राम के आदर्शों को मानने से आएगा, ना कि दिखावे से आएगा, हमारा मानना ऐसा है। और भाजपा कहती है कि राम को हम लाए हैं, इनसे पूछा जाए राम हमें लाया या राम को हम लाए हैं? गाना नहीं सुना आपने कि जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे? तो वही तो उनसे पूछ रहा हूँ कि वो नीरव मोदी को भी लाए, विजय माल्या को भी लाए, देश का भला हो जाएगा 40-50 हज़ार करोड़ का, तो उससे देश का फायदा होगा ना। कुछ स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, कुछ पब्लिक के लिए अच्छी सुविधाएं होंगी, तो उससे फायदा ज़रा होगा। राम को तो ले आए, अब राम क्या करेंगे? वो तो हम पूजा करेंगे तो भगवान सबकी सुनता ही है, लेकिन जो देश के अंदर हमको हॉस्पिटल चाहिए वो तो राम भगवान देंगे नहीं ना, वो तो हमको अपने कर्म से करना है। तो जो पैसा खा के भागे हैं, जो राम को लाए हैं, वो नीरव मोदी को भी ले आए, विजय माल्या को भी ले आए, जो जो देश को लूट के ले गए हैं उनको तो वापस लेकर आओ। आप भगवान को वापस ले, भगवान को आप लाओगे? भगवान तो पूरी सृष्टि की रचना करने वाला है, आप उसको लेकर आओगे क्या? ये लाने वाले नहीं है भगवान तो हमें लेकर आए। पर ये कहा जा रहा है बार बार कि बिना धूले की बारात है इंडिया गठबंधन, और उधर धूला तो मोदी जी सच के बैठे हुए वो नजर आ रहा है सबको। मैं देखिए, मेरा नाम वैसे अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम गुलाब सिंह है, कृष्णानगर विधानसभा से हूँ। लेकिन क्या है कि ये जो हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये जो सिंगल वगैरह हैं सब इनके खरीदे हुए हैं, टोटल मीडिया टोटल सब कुछ खरीदा हुआ इनका। अब जैसे हमारे राहुल जी जा रहे हैं अपनी रैली निकाल रहे हैं, कहीं भी उनको प्रशासन रोक लेता है। प्रशासन किसका है? सरकार का। सरकार जो चाहती है वो सब कुछ होता है। अब जैसे कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इनको इनविटेशन देना चाहिए राहुल जी को, हमारे सांसद से हटा दिया, बहुत सारे इंसाफ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जितना मर्जी कर लें, एक दिन तो वापस कांग्रेस ने आना ही है ना, ठीक है। और जो बीजेपी सरकार कर रही है, जो अभी भाई ने कहा कि ईवीएम टोटल हैकिंग है, मैं भी चुनाव लड़ा था इस बार यहाँ से विधानसभा से काउंसिलर का, इंडिपेंडेंट लड़ा था। क्या मुझे इतने लोगों का प्यार मिला? जो लोग मेरे साथ निस्वार्थ चल रहे हैं 500-500 लोग, क्या मुझे वोट नहीं डालेंगे? मुझे 100 वोट दिखाए गए हैं, 100 वोट केवल, मात्र 100 वोट, और नोटा को 150 वोट दिखा रहे हैं। देखो ना, तो ईवीएम का कितना हुआ है, टोटल ईवीएम धांधलेबाजी। आप ईवीएम हटाओ, देखो कैसे कांग्रेस नहीं बदलती, सब वापस आएंगे ना। ईवीएम की शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी। नहीं, कांग्रेस ने की थी, बाद में इसको रद्द कर दी गई थी। ये बीजेपी सरकार भारी गिनती में, देखो ना कहाँ होते हैं ईवीएम से चुनाव, सब टोटल वैलिड पेपर पता है। अब देखो यहाँ देखो ईवीएम, मतलब जिनको मुस्लिम, आपको पता है बीजेपी को वोट नहीं देता, टोटल सारी मुस्लिम वोट बीजेपी को डाल दी, किसे डाली? ईवीएम मशीन है, टोटल हैकिंग है। और जिसकी सरकार है वो अपना आपको लठ लेकर चलता है। और वैलिड पेपर से जीत रहे होते हैं, वैलिड पेपर से जीत रहे होते हैं कांग्रेस। जैसे ही वो एक बार कहते हैं मशीनें खुलनी है, मशीनें खुलते ही कहते हैं पीछे चालू रहते हैं, फिर वैलिड पेपर से क्यों नहीं पीछे होते हम होते? लेकिन देखिए ना, धांधलेबाजी करनी होगी तो वैलिड पेपर में भी तो हो जाएगी। जब पार्टी विपक्ष में थी बीजेपी तो ईएम का विरोध करती थी, विरोध करती थी ना। अब क्यों, अब भी बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लें, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, कराए ना इलेक्शन। तो ईवीएम का हम तो विरोध करते हैं ईवीएम का।